So hello, what's up guys, welcome back to another new video of Crafter SMC. जी हाँ गाइस, और आज की वीडियो के अंदर हम लोग बनाने वाले हमारा सबसे पहला डक मिनियन एंड साथ ही साथ हमारा बनाने वाला पेट। तो भाई वीडियो का लास्ट तक जरूर देखना, आप लोगों को आदि ऊपर लोकेशंस में जरूर बता दूंगा। एंड हाँ, इनफैक्ट मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ जिसके अंदर परफेक्टली मैं हर एक चीज़ों की जो जगहें हैं, लोकेशंस हैं, वो प्रॉपर मैं आपको बता सकूँ, जिससे आप लोगों का ये जो न्यू हब है वो क्लियर आउट हो सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आ चुके हम लोग हमारे आइलैंड पे। मैं मेहनत करने वाला हूँ। सबसे पहले तो देखो यार, ग्रैंड मैप बता दूँ, मेरा फेवरेट पैड भाई यहाँ पे वेदर पैड है, जो कि मैं ऑफ कोर्स बनाने वाला हूँ, ठीक है। बट वो चीज़ें बनाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा ही टाइम लगेगा। तो सबसे पहले मेरे को जाना है हार्वेस्ट जगह पे जाना था, बट वहाँ पे जाने से पहले मैं जाऊँगा अपने हब की ओर। वहाँ पे मैं एक्चुअली मैंने एक पैड देखा है जिसका नाम है बी पैड, जो कि आप लोग ले सकते हो, बट हाँ उसको लेने के भी बहुत सारे क्राइटेरिया है, तो वो बाद में बताऊँगा। यहाँ पे गाइस आपको विच वाली दादी मिल जाती है, बट इनको दादी बोलूँ या ना बोलूँ, क्योंकि बहुत क्यूट है ये, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग जो भी आपके विच रिलेटेड जो भी काम है, लाइक आपको अगर पोशन वोशन बनाना है तो आप यहाँ से आराम से बना सकते हो। ऊपर आपका एंचारमेंट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इनफैक्ट गाइज, सबसे बेस्ट चीज़ जो मुझे लगी है अभी इस अपडेट के अंदर, पैट्स वगैरह तो मैं साइड में रखने वाला हूँ, वो तो है ही है, बट दूसरी एक और चीज़ है जो रेड स्टोनिंग जो करते हैं ना भाई, उन लोगों के लिए बहुत सही चीज़ है। यहाँ पे गाइस ये कारपेंटर के नीचे आप अगर आते हो तो यहाँ पे आप लोगों को जो भी जेम्स के रिलेटेड जो चीज़ें मिलती है वो यहाँ पे आपको शोकेस में दिख जाएगी। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे लगी है, होलोग्राम टेस्ट, तो भाई जाने दो, मुझे ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है, जिसको बोलते हैं ट्रेनिंग डमी। अब आप लोगों को बोर्ड ट्रेनिंग वगैरह करनी है तो आप लोग ले सकते हो भाई, ठीक है। फिर यहाँ से चलते अपने थोड़ा आगे, जहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि मुझे जो चीज़ अच्छी लगी थी वो ये है भाई, प्लम्बर तो है ही भाई, मैकेनिक भाई, आप लोग लेजिट भाई रेड स्टोनिंग मशीन्स बना सकते हो भाई क्राफ्टर के अंदर अब। जो कि लेट मी नो यू कमेंट सेक्शन कि भाई आप मेरे आइलैंड पे कौन सा रेड स्टोनिंग वाली मशीन देखना चाहते हो, ठीक है। बन वही चीज़ है बताना जो इन चीज़ों से मैं बना सकूँ। ऐसा नहीं कि भाई आपने बता बोल दिया भाई अनलिमिटेड डायमंड मशीन बना दो, वैसे भी सॉरी ये आउट ऑफ द लीग हो गया, डायमंड मशीन वैसे भी बनती नहीं है, बट हाँ कुछ ऐसा बताना कि जो मैं बना सकूँ, ठीक है। तो वो आपका काम है, कमेंट में मेरे को जरूर बता देना। फिर गाइस बात करते हैं भाई थोड़ा अपने मिनियंस के, मतलब वो पैट्स के बारे में। तो भाई जो मैं पैट्स बोल रहा था वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। बी पैट है 5,000, 50,000, देन 2 लाख एंड 5 लाख। तो भाई इनके साथ देख लो भाई, मेरे को एक्चुअली में लेना है लेजेंडरी चीज़, लेजेंडरी वाला, बट यार उसका सीन ये है कि उसके लिए मुझे चाहिए 8 एंचांटेड कोल ब्लॉक एंड 8 एंचांटेड गोल्ड ब्लॉक, जो कि अभी मेरे पास नहीं है, ठीक है। एंड इनफैक्ट वो है 6,50,000 का, और उसका फ़ायदा क्या है वो भी मैं बता दूँ, माइनिंग फॉर्च्यून, फिर उसके बाद आपको अच्छी खासी चीज़ें उसका आपको मिल जाता है। मैं एग्जैक्ट ये जो सारे पैट्स होते हैं उनकी अलग अलग खुद के एक एबिलिटीज़ है, वो मैं आपको एक प्रॉपर इसके एक अलग वीडियो पे आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। आज की वीडियो तो अपना यही है कि भाई मेरे को एक्चुअली मैं ग्रैंड करना है डक मिनियन के लिए, बिकॉज इसमें भी अभी एक नया अपडेट हो चुका है डक मिनियन का भी, बिकॉज अब ये अपडेट आया था उस टाइम मैं ग्राइंड करना चाहता था, बट उस टाइम मैं ग्राइंड नहीं कर पाया क्योंकि बहुत लोग ग्राइंड कर रहे थे उस चीज़ के लिए। सो गाइस, डक मिनियन अगर आपको बनाना है तो डक की लोकेशन आप लोगों को मिल जाएगी ये हेवन के पास, मतलब जो अपना हार्वेस्टिंग हेवन है उसके अंदर जो अपना वीट वाली जगह है उधर ही आपको देखने को मिल जाएगा। अब गाइस यहाँ पे एक चीज़ चेंज ये हुआ है कि आप लोग डक को अब आपके टिम्बर शाफ्ट से नहीं मार सकते, बिकॉज वो अब मॉब के अंदर काउंट नहीं होते, वो नॉर्मल एक एनिमल टाइप है, वो आप लोगों को खुद को मारना पड़ेगा, ठीक है। लाइक आप लोगों को ऐसे जा के उनको मारना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आपने ट्यूमर शाफ्ट की एबिलिटी यूज़ की और वो जाके वहाँ पे फूटा और वो बन गया, नहीं भाई नहीं मिलेगा। अब वो चीज़ें चेंज हो चुकी है, ठीक है, डायरेक्टली आपको जाना पड़ेगा और मारना पड़ेगा, मतलब काम जरूर करना पड़ेगा। मेरा मानना ये है आप लोग एरोस वो एरो लेके जाओ या तो फ्रोजन स्नाइट लेके चले जाना, मस्त आसान तरीके से ग्राइंड हो जाएगा, ठीक है। और बस तो अभी तो मुझे यही करना है और जितना कर सकता हूँ मैं करूँगा, बिकॉज मेरे को फिर फटाफट पैट भी बनाना है यार, पैट बनाना है, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट पैट मैं एक्चुअली मैं बोल दूँ मुझे बनाना था वेदर पैट, बट वेदर पैट की जो मैंने रेसिपी देखी है भाई वो थोड़ा सा टफ है। उसको बनाने के लिए आपको चाहिए सुपर डक एग। अब वो सुपर डक एग तो अभी तो मैं नहीं बना सकता, बट हाँ उसकी भी ग्राइंडिंग मैं करना चालू करने वाला हूँ। बट हाँ अभी मेरा जो फर्स्ट पैट है वो मैं और मेरा भाई हम दोनों साथ में मिलकर बनाने वाले हैं, जिसका नाम है जोम्बी पैट, ठीक है। तो गाइस यहाँ से मैं ये सारा पूरा कलेक्ट करता हूँ और मिलता हूँ फिर मेरे आइलैंड की ओर, ठीक है, कुछ ही देर के अंदर।
गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं हमारे आइलैंड के अंदर। यहाँ पे हम लोग ने बना दिया है हमारा वर्क बेंच जो एक्सपी पहले से बना हुआ था, तो ये चीज मैं फटाफट कर लेता हूँ बिकॉज इसके अंदर से भाई अपने को बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिल जाती है, लाइक एक्सपी वगैरह मिल जाती है, साथ ही साथ कोई अच्छी एक एन्चेंटमेंट बुक मिल जाती है जो कि मैं सेल भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये फटाफट करते हैं भाई। अच्छी खासी यार एक्सपी मिल जाती है भाई। पहली बार आपने जैसे देखा होगा मेरा लेवल 11 से डायरेक्ट 16 पे आ गया था मैं, लाइक 75,000 एक्सपी मिल गई थी। तो इसको खत्म करते हैं और मिलते हैं भाई, देखते हैं क्या मिलता है। सो गाइस फाइनली यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट कंप्लीट करने आया हूँ। यहाँ पे बस दो लास्ट मूव बाकी है मेरे पास। लेट्स सी भाई हमारे को क्या मिलता है। रेड वाला यहाँ पे फेदर वहाँ पे हो गया। ओके रेड वाला भी यहाँ पे हो चुका है। एंड भाई यहाँ पे भाई यार मूव्स खत्म हो गए हमारे यार, शिट मैन। सो गाइस फाइनली यहाँ पे हमारा सब कंप्लीट हो चुका है। लेट्स सी भाई हमारे को क्या मिलता है। ठीक है, तो लेट्स सी भाई दिखाता हूँ मैं आपको हमारे को क्या मिला है। हाँ तो भाई कंप्लीशन रिवॉर्ड 75,000 एक्सपी मिलती हुई और स्कैवेंजर 2 की एन्चेंटमेंट बुक मिलती हुई जिसको मैं बेचने वाला हूँ। अगर आप में से किसी को चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं उसको मुफ्त में नहीं दूंगा, 10,000 दे देना बस और कुछ नहीं। सॉरी सॉरी गाइस, तो ये एन्चेंटमेंट बुक यहाँ रख देते हम लोग। डन भाई यहाँ पे रख देता है। और गाइस हाँ, डक मिनियन के लिए हमारे को जो भी चीज़ें चाहिए थी वो एक्चुअली आ चुकी है, तो हम लोग फटाफट डक मिनियन भी बना देते हैं बिकॉज हाँ डक मिनियन के अंदर मैं भी डालने वाला हूँ बैग, उसके लिए चाहिए वो कर दूंगा, स्टोरेज बैग बढ़ा दूंगा उसकी। फिर वो एन्चेंटेड लावा बकेट भी उसमें डालने वाला हूँ। साथ ही साथ मेरे को चाहिए कोल मिनियन का भी काम मेरे को लगने वाला है बिकॉज कोल मिनियन में इसलिए चाहिए बिकॉज मुझे बनाना पड़ेगा ब्लॉक्स। ठीक है, क्योंकि उसको चाहिए 9 कोल ब्लॉक अपने जो वो कहते हैं ना वेदर स्केलेटन, वेदर स्केलेटन के लिए हमें चाहिए 9 कोल ब्लॉक और एक एंचांटेड सुपर डक एग। तो वो भाई बनाने में थोड़ा तो टाइम लगेगा ही, बट वो देखते हैं अगर ऑक्शन हाउस में आए तो हम लोग खरीद लेंगे और हम लोग बना लेंगे हमारा वेदर स्केलेटन पैट बिकॉज वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पैट है भाई माना जाता है, मैंने कुछ लोगों से पूछा है तो। और ये रहा उसका जुड़वा भाई जो कि है स्केलेटन पैट, ये आपका शायद स्केलेटन 8 या 9 कलेक्शन के अंदर आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए हड्डियाँ चाहिए बट उसके लिए भी आपको सुपर एग चाहिए, तो वो देख लेना। ठीक है, वो देख लेना आप लोग। तो भाई यहाँ पे मैं अभी वो जो चीज़ें लेना है वो लेने के बाद मिलता हूँ। तो गाइस फाइनली मेरे को जो जो चीज़ें चाहिए थी वो मैंने एक्चुअली में ले ली है। अब यहाँ से मैं एक उठाने वाला हूँ ये रे सुपर कैंडी। ठीक है, बीट रूट सुपर कैंडी जो कि आपकी जो पैट होता है उसकी ऑलमोस्ट करीबन 75,000 या इसके आसपास का वो एक्सपी देता है। ठीक है, जिससे आपका डायरेक्टली लेवल 32 हो जाएगा, नहीं 27 हो जाएगा अगर आपका लेवल 1 का पैट है तो। ठीक है, और ये जो रेसिपी है वो आपकी बीटरूट के अंदर लेवल 4 पे ओपन होती है, तो इसके लिए बीटरूट वाला भी बना लेना, इससे अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने अभी डक मिनियन बना लेता हूँ यहाँ पे, फटाफट बना लेता भाई डक मिनियन। ये रहा डक मिनियन भाई, बना लिया हमने भाई। देखो इस बार सीरियसली बोलो ना तो अभी नए अपडेट के अंदर बिजनेस करना भाई बहुत सही हो गया है। बीटरूट मिनियन बना दोगे तो आप लोग मस्त कैंडी सेल आउट कर सकते हो, ऑलमोस्ट यार 1,00,000 में तो बिकी जाएगी नॉर्मल वाली कैंडी, उसके ऊपर वाली जाएगी तो भाई 2,00,000, 1,000,000 और जायंट वाली गई तो भाई 5,000,000, उससे ऊपर भी जा सकती है। ठीक है, फिर उसके बाद आप डक मिनियन से भाई सुपर एग नॉर्मल एग एन्चेंटेड वाला बेच सकते हो आराम से। सुपर नॉर्मल वाला जो है वो तो 80 में जा रहा है, और जो मेरा मानना है कि जो सुपर वाला होगा तो वो तो भाई 10,000,000 या तो 8,000,000 के अंदर बिकेगा ही बिकेगा। और इनफैक्ट आप लोग अगर पैट बना के बेच रहे हो भाई, जैसे कि ब्लेस पैट हो गया, ब्लेस पैट अब भी ऑक्शन हाउस के अंदर उसकी कीमत है 45,000,000 और वेदर पैट तो भाई उससे डबल होने वाला है, तो आप गैस कर सकते हो भाई कितना मस्त बिजनेस कर सकते हो। तो गाइस यहाँ हम लोग हमारा फर्स्ट पैट बनाते हुए जो कि है भाई ये जोम्बी पैट, जिसको बनाने के लिए आपको एक नॉर्मल एन्चांटेड डक एग चाहिए और 16-16 यानी 2 स्टैक करके एन्चांटेड रॉटन फ्लैश चाहिए, तो आप लोग आराम से बना सकते हो। ठीक है, फिर भाई ये इसको मेरे भाई को मतलब जो मेरा दोस्त है इसको यहाँ पे मैं दे देता हूँ भाई ट्रेड। इसको चाहिए था कोल मिनियन, तो इसको फटाफट कोल मिनियन देते हुए भाई यहाँ पे दे देते उसको। ठीक है, तो डन भाई इसको दे दिया कोल मिनियम भाई, चलो भाई निकलते हैं यहाँ से। यहाँ पे पैट एक्वायर कर दिया, देखो भाई लेवल 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पैट को मैं दे रहा हूँ सुपर, क्या सुपर नहीं है ये नॉर्मल है आई थिंक। ठीक है, तो देखो इसका एक्सपी सीधा कितना जा रहा है भाई, देखो भाई लेवल 23 हो गया, लेवल 1 से डायरेक्ट लेवल 23 यानी समझो 22 जितना लेवल इसका इंक्रीज हुआ है, लाइक 70,000 जितना इसको एक्सपी मिला है भाई। तो मैं ऐसे 2 कैंडीज को खिलाने वाला हूँ लेवल 32 जितना मैं इसका कर दूंगा। ठीक है, तो एक और बार लेके आते हैं भाई इसको।
तो भाई एक और कैंडी लेते हुए भाई ये 1 लाख की कैंडी है भाई सेम भाई क्या ही बोलूँ मैं। तो इसका नेक्स्ट लेवल होने वाला है 30, तो इसको कर देता भाई। डन भाई, इसका हो चुका है लेवल 30, जो कि आप देख सकते हो हमारा फर्स्ट पैट हो जिसका लेवल मैंने कर दिया है 30 भाई, जोम्बी। अब इसका फायदा क्या है भाई, तो देखो यार ये मेरे को इसके एबिलिटी अगर आपको मैं बताने जाऊँ, ठीक है, क्योंकि हर एक जो पैट है उन सबकी एबिलिटीज अलग है गाइस। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि इसके ऊपर आपको एक प्रॉपर वीडियो चाहिए नहीं चाहिए, वो आपके ऊपर है, आप मेरे को जरूर बता देना, मैं वीडियो बना दूंगा। तो ऑफिशियल डैमेज गाइस इसका 9 का है, हेल्थ 30 प्लस दे देता है और हेल्थ 6 HP पर ज़ॉम्बी किल देता है। तो रॉटन ब्लेड अगर आपके पास है तो 47.5% इसका डैमेज और ज़्यादा इंक्रीज कर देता है, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये शायद कॉम्बैक्ट मतलब कॉम्बैक्ट पैड है जो कि कॉम्बैक्ट के लिए यूज हो जाती है, और जो हमारी इसके ऊपर मैं और ज़्यादा इंचार्टमेंट तो नहीं बोल सकता है, इसकी जो एसेसरीज होती है वो अगर मैं लगा दूंगा तो ये और ज़्यादा अच्छा पैड बन सकता है। लाइक माइनिंग के लिए अगर इसके ऊपर माइनिंग बूस्ट लगा दूंगा तो भाई और अच्छे से काम करेगा ये, ठीक है, वो अलग कैश वगैरह के रिलेटेड मिलता है, तो वो देखते हैं, उसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो आ जाएगी बहुत जल्दी, ठीक है। तो यहाँ पे डक के लिए मैं कुछ लाया था भाई, फ्यूल डाल देता हूँ और स्टोरेज इसके लिए बढ़ा देता हूँ जिससे ये फटाफट काम कर सके और भाई हम लोग जल्दी जल्दी बिजनेस ओपन कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा अपग्रेड मार देते हैं भाई, हमारे पास सामान पड़ा है तो उसको अपग्रेड भी कर देंगे हम लोग, ठीक है। और यहाँ बाजू में इसका कोल मिनियन में लगाने वाला हूँ। तो गाइस जो भी हमारा आज का टारगेट था वो सब कंप्लीट हो चुका है, पैड बना लिया, डक मिनियन भी बना दिया, तो बस फिर आज का वीडियो हम लोग का यहीं एंड अप होने वाला है। तो गाइस आप लोगों को बहुत चीज़ें मैंने इसमें बता दी है, बट हाँ अगर आप लोगों को कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं जरूर ट्राई करूंगा उस चीज़ों को समझाने के लिए। बट हाँ कुछ आगे फर्दर आप लोग डेडिकेटेड वीडियोज़ देख सकते हो, लाइक मैं अभी ज़ॉम्बी के ऊपर मतलब जो पैड्स वगैरह है उनके पूरी डिटेल एक्सप्लेन वीडियो बनाने वाला हूँ, हर एक एग्जैक्ट लोकेशन की वीडियो बनाने वाला हूँ एंड इनफैक्ट एंचार्टमेंट्स भी थोड़ी बहुत मैं समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो बस आज की वीडियो का लाइक है मैं 40 का होप से कंप्लीट जरूर कर देगा, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर गाइस, देन लव यू ऑल, टाटा सी यू, टाटा बाय 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 बाय।